जनता की आवाज उत्तर प्रदेश बरेली न्यूज। दबंगों द्वारा घर में घुसकर वृद्ध को गंभीर रूप से किया घायल। घटना के अनुसार बाबूराम पुत्र अंतराम बरेली जनपद के थाना भोजीपुरा के ग्राम न्योधना का रहने वाले हैं। दिनांक 24 अक्टूबर 2023 को समय करीब 7 बजे शाम ग्राम के ही रहने वाले धर्मवीर पुत्र राम भरोसे पुत्र अंतराम ने बिना वजह गाली बकने को मना करने पर घर में घुसकर लाठी डंडों से मारा पीटा व धारदार हथियार से कलाई पर वार किया, जिससे कलाई पर 7 टांके आए। पीड़ित बाबूराम घर पर अकेले ही थे। गांव के लोगों के बचाने पर बाबूराम की जान बच सकी। थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, किंतु अभी पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दबंगों के हौसले बुलंद है, अभी भी आते जाते गाली गलौज कर रहे हैं और मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रस्तुत है संवाददाता सत्य कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बाबूराम जी, कहाँ रहते हो आप? न्योधना। न्योधना रहते हो। थाना कौन सा आपका? भोजीपुरा। क्या हुआ था बताइए। दादू पूरे सत्य पकड़े। कौन पकड़ रहा है? हमारा भतीजा धर्मवीर। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? हो जाता है पास में मकान है। ठीक है, फिर हाँ, फिर उसके बाद हमने कही तो गाली गलौज करता हो ज़्यादा। बोल वसूल जी का करें गाली गलौज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, फिर सही हमने कही हमें कह रहे मारदार हम जैसे बागो बाप और वो आए गए वहाँ फिर आए लोग बाप लड़की आई तो बाप ने अपना काका उजाड़ हो हमारे आपको मारा था। हाँ, हमारे किस किसने मारा आपको? धर्मवीर ने और वहाँ भरोसे भी। कहाँ मारा? छोटा ही आपके? हाँ जी, टाँके भरे हुए हैं। ये कितने टाँके हैं? टाँके खास दिन आया था 8-9 बैठे। मगर टाँके भरे हुए हैं। किस चीज़ से मारा था आपको? हमें साहब कुछ बताना है, हमें बुराए लोग मतलब डंडा या लाठी या धारदार ने लाठी मारी है। अच्छा, नतीजे की नाको तक औजार हो उसने ये फार हुआ है ना आए खाई बहनी है दुकान आप देखना अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल जी, कहाँ रहते हो आप? न्योधना। न्योधना। थाना कौन सा आपका? भोजीपुरा। तो क्या विवाद हुआ था बताइए। विवाद ये हुआ, मैं गाली गलौज के पीछे लड़ाई थी जी। उसके बाद हम भंडारे में से शाम को खाना खा के आए थे, खून में लथपथ थे, इन्हें हम लेके गए थे जी। उसके बाद थाने में उनने हमारे नाम फाइल दर्ज करा दी उल्टी। किसने? राम भरोसे ने। मतलब चोट उनके लगी थी या आपके? चोट तो हमारे भाई की लगी थी। भाई की लगी थी? उन्होंने दूसरी पार्टी में। अच्छा अच्छा, क्या नाम है जिनकी चोट लगी थी? उनका नाम बाबूराम है। बाबूराम जी, वो आपके भाई हैं? हमारे भाई हैं। उनको किसने मारा था? राम भरोसे, धर्मवीर। ये लोग कौन है? ये भी मतलब भाई हैं, भतीजा है। तो किस बात को लेकर विवाद हुआ था? विवाद गाली गलौज के पीछे। गाली गलौज किसी कोई वजह रही होगी? आए दिन गाली देते रहे। किसी बात को लेकर तो विवाद हुआ होगा, गाली किस लिए दी थी? गाली इन लोगों के छत पर तिलुल पड़े थे जी, और इनके खेत में मतलब वो लेकर लाए थे जी, इन्होंने मना करा। हाँ जी, खेत बुआल होता उसके पीछे बवाल हुआ, उनने तिलुल हटवा दे अपने घर से। अच्छा, उसके बाद गाली गलौज शाम को हुआ। उसके बाद इसमें आपको भी गाली गलौज करी? हाँ, मेरे लिए मुझे मारने की धमकी है जी। अब क्या चाहते हैं आप? अब तो हम ये चाहते हैं कि साहब हमारी जितनी मदद हो सके उतनी मदद हमारी हो जाए। इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यपाल। सत्यपाल जी, कहाँ रहते हैं आप? न्योधना। थाना कौन सा है? तो ये जो विवाद हुआ है आपकी नजरों के सामने हुआ था? ना, विवाद हमारी नजरों के सामने नहीं हुआ, लेकिन महेंद्र पाल हमारे संग भंडारे में थे। भंडारा कहाँ पर था? अटकटा। फिर उसके बाद क्या? जब आए थे तो यहाँ विवाद हो चुका था। किस किस में विवाद हुआ था? राम भरोसे लाल जी और बाबूराम। अच्छा, और धर्मवीर। अच्छा अच्छा, इन लोगों में विवाद हुआ था। तो जो घटना घटित हुई थी उसमें विवाद होने के बाद आपने क्या देखा घर पे? क्या हुआ? ये देखा महेंद्र पाल हमारे साथ आए तो गाली गलौज जगह ले जा रहा था, तो इन्होंने थाने लेके मैं अपनी गाड़ी से गया था जी। ठीक, उसके बाद उनने FIR महेंद्र पाल के नाम तब तक करवा दी। महेंद्र पाल जो भी भंडारे में थे। फिर आप जब थाने गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर कुछ नहीं, दरोगा जी थे जो, जिनका नाम है सुशील जी, वो और उल्टा ये कह रहे थे कि आप लोग बिल्लेट मार के आए यहाँ। अच्छा, ये आप लोगों को कह रहे थे? हाँ, कि आप बिल्लेट मार के आए यहाँ पर, और वो पार्टी पहले से वहाँ बैठ के जाते। अच्छा, उनके भी चोट है उस पार्टी के? उसके कुछ नहीं।
उनने अपने वो थोड़ा बहुत करता ही है बंदा, पंचायत में चला गया। तो इसमें क्या होना चाहिए बताइए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों। अच्छा, इसमें चोट किसके लगी है इधर? बाबूराम। बाबूराम जी किस चीज से मारा था? तो तबल लगा रहे थे, हम मेरे थे नहीं वहाँ, तबल था मतलब गड़सा। मतलब इसमें कार्रवाई होनी चाहिए।